एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के बीच शराब तस्करों के द्वारा शराब की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। शराब तस्कर नई तरकीब के साथ शराब की तस्करी करने में जुटे हैं। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया रोड की है, जहाँ गुप्त सूचना पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से 12 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग शराब की खेप लेकर जा रहे हैं। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी का पीछा किया गया, लेकिन टीम के आने का आभास होते ही शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। जब्त गाड़ी को जब अधिकारियों ने खंगाला तो उसमें 12 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर शराब तस्करों की तलाश में जुट गई है। उत्पाद विभाग के अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन होने के कारण रोड मार्ग से शराब की तस्करी नहीं हो रही है, बल्कि नई तरकीब अपनाते हुए गंगा नदी मार्ग से शराब की खेप यूपी के जरिए बक्सर लाया जा रहा है। शराब की खेप बक्सर लाए जाने के बाद बाइक और कार के जरिए शराब को अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम तस्करी बखूबी कर रहे हैं। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों पर अपनी पहली नजर बनाए हुए है। कार के डिक्की एवं बीच वाले सीट से 12 कार्टून अवैध विदेशी शराब 8 PM जो कि यूपी का है, वो बरामद किया गया है। गाड़ी को भी हम लोगों के द्वारा सीज कर लिया गया है, और गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। ये कुल शराब 576 पीस है, टेट्रा पैक है, 103.68 लीटर विदेशी शराब।